गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आई एम योर यूकेजी क्लास टीचर. बच्चों, मैं आपकी यूकेजी की क्लास टीचर हूँ. आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगी. ये आपकी हिंदी की बुक है, सबर परिचय. ओके, अब मैं आपकी बुक को खोल रही हूँ. बच्चों, मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में दो अक्षरों वाले शब्द बताए थे. आज की क्लास में तीन अक्षरों वाले शब्द बताऊँगी. इसे कैसे लिखे जाते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं, कितने लाइनों पे लिखा जाता है, तो आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगी. ओके, ये देखिए, ये क्या है, ये लिखा हुआ है ना, हवन. हवन, हवन मीन्स हवन करना, ये आग चला के हवन कर रहे हैं. ओके, ये है नयन. नयन, नयन मीन्स आँख होते हैं, नैना, आँख को नैना बोलते हैं, जिसे देखा जाता है, देखते हैं. और ये महल है, महल. महल, महल मीन्स बड़ा सा जो घर होता है जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, उसे महल कहते हैं. ओके, और ये है मगर. मगर, मगर, मगर मीन्स मगरमच्छ. ओके, जिसे क्रोकोडाइल कहते हैं, जो पानी में होता है. तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ये इसे लिखते कैसे है. बच्चों, ये देखो, ये थ्री लाइन टच करके लिखा हुआ, 1 2 3, तीन ही लाइन पे लिखना है, इस लाइन से इसे बाहर नहीं निकालना है. ओके, तो यहाँ दिया हुआ है, ये इस पे पहले मस करना है. ओके, ये है ह व न, हवन. ये है न य न, नयन. तो ये थ्री लाइन टच होते हुए लिखना है, इसे लाइन से बाहर नहीं निकालना है. ओके, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे लिखते हैं तीन हुर्फी अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षरों वाले शब्द कितनी लाइन पे लिखने चाहिए. तो ये है महल, महल. तो जब आप इसे लिखोगे ना, तो लिखते वक्त आप इसे पहले मस करोगे, लेकिन मस करोगे तो आप बोल बोल कर मस करोगे. ओके, महल, महल, जैसे हमने इस पे मस भी कर रहे हैं हम, तो इसे बोल कर रहे हैं. म ग र, मगर. मगर मीन्स मगरमच्छ. तो ये देखिए, ये लाइन यहाँ ब्लैंक है ना, तो इस लाइन पे लिखना है. ओके, तो ह व न, हवन. तो ये देख रहे हो आप, लाइन से बाहर नहीं निकलना है, नहीं निकल रहा है, लाइन के अंदर लिखना है, तीन लाइन पे लिखना है, 1 2 3. हमने इस लाइन पे लिखा है ना, तो आप भी देखो और आपको भी इसी तरह से लिखना है. ओके, ये देखिए, न य न, नयन. हमने थ्री लाइन पे टच किया ना, 1 2 3 लाइन को टच करके लिखा है, तो आपको भी इसी तरीके से लिखना है. बच्चों, लिखते वक्त स्पीक एंड राइट, बोल बोल कर लिखेंगे. ओके, म ह ल, महल. म ग र, मगर. तो स्पीक एंड राइट, बोल बोल कर लिखना है, तब आपको याद भी हो जाएगा तीन अक्षरों वाले शब्द, और आपको लिखना भी आएगा, आप अच्छे से समझ भी लोगे. ओके चिल्ड्रेन, तो आज का आपका होमवर्क ये है, तीन अक्षरों वाले शब्द आपको इसे कंप्लीट करना, ये दिया हुआ है, आपको इस पर मस करना है और स्पीक एंड राइट, बोल बोल कर मस करना है. ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन, आपका क्लास कंप्लीट हो गया.